मैं प्रोफेसर राजेश कुमार यादव जेपी शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय बिहार शरीफ नाला पेपर सेकंड ईयर बी ए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड समकालीन भारत में शिक्षा का अधिकार। जैसे कि पिछले वीडियो में हम समानता के अधिकार के विषय में चर्चा कर रहे थे, अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन है, जो अनुच्छेद 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में है मनमानी गिरफ्तारी से छूट। अब हम अनुच्छेद 19 के विषय में चर्चा करेंगे, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब इस अनुच्छेद में आप अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन आप वही विचार एवं अभिव्यक्ति वही विचार दे सकते हैं जो समाज में मान्य है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत जैसे अनुच्छेद 19 खंड 1 में इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर पूछता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है या मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये 19 खंड ए में। इसमें और विस्तृत किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता है और आपका सूचना पाने का भी अधिकार है। ठीक है, और तीसरा है आपको झंडा फहराने का अधिकार है। ठीक है, जैसे इसके पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही झंडा फहराया जा सकता था, लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया है, आप जो है झंडा फहराने का अधिकार आपको मतलब दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें 19 खंड ख में है सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब आपको जो है सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, आप सभा करेंगे निरायुध सभा करेंगे। ठीक है, निरायुध का मतलब होता है मतलब अस्त्र शस्त्र के बिना, वही निरायुध होता है। ठीक है, इसमें आप सभा करेंगे वही सभा करेंगे जो देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, इसके बाद है 19 खंड ग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बनाएंगे, ऐसा संघ बनाएंगे जो भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखे। आप ऐसा संघ नहीं बनाएंगे जो भारत की एकता एवं अखंडता को मतलब बिगाड़ सके। ठीक है, इसके बाद 19 खंड घ में है घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसको घूमने से पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे स्थान है जिसको घूमने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद 19 खंड अंग में है निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारत के किसी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसको निवास करने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये था 19 अनुच्छेद 19। ठीक है, अब है अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, इसमें पहला आपका है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। ठीक, और दूसरा इसमें है दोहरे दंड का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को जो है दोहरे दंड सिद्धांत से जो है वंचित किया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी का मर्डर किया है, 50 साल पहले मर्डर किया है, उस समय जो है उसकी सजा उम्र कैद की सजा है, लेकिन वर्तमान में उसी सजा को मतलब फांसी की सजा हो गई है, लेकिन आपको जो है 50 साल पहले जो कानून था उम्र कैद की सजा, वही आपको जो है वही सजा दी जाएगी, ना कि जो है आपको जो है उम्र कैद की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है
मतलब किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है साक्षी बनने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका अनुच्छेद 20। इसके बाद है अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है इसको जो है निजीत्या का अधिकार भी बोला जाता है, इसको जो है प्राकृतिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आदमी को मतलब एक बार जो है मतलब मैंने क्या कहा था कि मतलब विदेश की यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो उनका जो है पासवर्ड जो है पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था, उसी के अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत मैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है विस्तृत वर्णन किया कि आदमी को विदेश जाने का अधिकार है, आदमी को जो है शिक्षा पाने का अधिकार है, व्यक्ति को जो है निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार है और शीघ्र न्याय पाने का अधिकार है। ठीक है, और एकांतता का अधिकार इसी वर्ण है। नंबर मतलब शिक्षा का अधिकार, जैसे कि आपको पता है 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा को जो है मूल अधिकार घोषित किया गया है, तब से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो एक निरंतर मतलब एक प्रकार से क्रांति आ गई। ठीक है, उसमें उसी के तहत जो है चाहे आपका मध्यान्ह भोजन योजना हो, चाहे आपका के चाहे मतलब सतत शिक्षा योजना हो, चाहे आपका प्रौढ़ शिक्षा हो, मतलब उसमें जो है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जो बच्चे को मतलब निरंतर सरकार प्रयास करती कर रही है। ठीक है, इसी के तहत जो है बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी अनुच्छेद के तहत की गई है और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है और बच्चों को ड्रेस की व्यवस्था की गई है मतलब इसी अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, और इसके बाद है अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी से छूट। मतलब है किसी व्यक्ति को जो है मतलब गिरफ्तार करने से पहले उसको जो है उसको वारंट दिखाया जाएगा, उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको जो है किस कारण जो है आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कारण नहीं बताया जा सकता, जैसे मान लीजिए वह विदेशी शत्रु है उसको कारण नहीं बताया जा सकता। ठीक है, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो भारत की एकता एवं अखंडता को मतलब बिगाड़ सकता है या मतलब कोई मतलब वारदात करने वाला है तो उसको कारण नहीं बताया जा सकता, उसको जो है बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में चर्चा करेंगे।